Good morning, students. Myself, Shan Patel. Today we are going to start part 6 of chapter number 17, stars and the solar system. जैसे कि बच्चों हमने last lecture से part 5 से solar system की शुरुआत की है कि solar system जो उसके अंदर sun है, sun के अलावा दूसरे planets भी है. तो last lecture में हमने planets के बारे में, sun के बारे में discuss किया था. आज के lecture में हम planets जो हमारी सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं वो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट प्लैनेट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी. बच्चों मरकरी जो अदर नेम जो है, तो अदर नेम ऑफ मरकरी इज बुध. मरकरी को बुध के नेम से भी जाना जाता है, याद रखेगा. क्लियर? नाउ द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. देखिए आपको पता है कि जब प्लैनेट जो मर्क्यूरी है सबसे सन के सबसे नियरेस्ट है. मर्क्यूरी जो है सन के सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक में मर्क्यूरी आया है. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. बच्चों ये जो प्लैनेट जो है मर्क्यूरी, ये हमारी पूरी सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. साइज उसके सबसे, सभी प्लैनेट्स के सबसे स्मॉल प्लैनेट की साइज सबसे कम है. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it. देखिए Mercury जो है वो सन के बहुत ही nearest है, इससे बहुत ही difficult है, हम उसको observe नहीं कर पाते, उसको देखना बहुत ही difficult है. क्यों? क्योंकि सन की bright light की वजह से उन्हें दिखता है. देखिए यहाँ पे लिखा है, most of the time it is hidden in the glare of the sun. देखा है कि most of the time वो सन की light bright light की वजह से हो जाता है, हमें दिखता नहीं. और हाँ, इतना तो हमें समझ लिया मर्क्यूरी के बारे में, लेकिन आपने मर्क्यूरी प्लैनेट को भी देखा नहीं है. देखिए मर्क्यूरी प्लैनेट जो है उसका पिक्चर देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको. मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो इस तरीके से होते हैं, ध्यान से देखिए. ओके, ये भले स्मॉल साइज का है पूरी सोलर सिस्टम में, लेकिन उसकी साइज जो है वो बहुत ही, ऐसे हम देखते जाए तो बहुत ही बड़ी होती है. सोलर सिस्टम के रिलेटेड, दूसरे प्लैनेट के रिलेटेड वो स्मॉल साइज का है. नाउ हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन. देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो ऑब्जर्व कब होता है, हमें कब देखने को मिलता है, तो बिफोर द सनराइज, सनराइज से पहले, और जस्ट आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद में, जैसे सनसेट होता है बाद में दिखाई देता है. नियर द होरिजोन, होरिजोन के नजदीक में. सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्टर द व्यू ऑफ द होरिजोन. यहां पर ऐसा होता है, सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्टर. और यहां ही देखने को मिलता है जहां पे ट्रीज और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी ना हो, क्योंकि होरिजोन में देखने को मिलता है इस लो स्काई में देखने को. Now, Mercury is no satellite of its own. याद रखिएगा, Mercury को कोई भी satellite नहीं है. Satellite means जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अराउंड मून जो है रिवोल्यूशन करता है, तो मून जो है हमारी अर्थ का satellite हुआ. उस तरीके से Mercury जो है उसका कोई satellite है, Mercury planet के अराउंड कोई रिवोल्यूशन नहीं करता. क्लियर? Now, second planet is Venus. The other name of Venus is Shukra. याद रखिएगा, सेकंड प्लैनेट जो है वो विनस है. मर्क्यूरी के बाद जो सेकंड नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो विनस है. विनस को हम शुक्र के नेम से भी जाना जाता है. विनस, तो विनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. विनस जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट से इज उसका नेबर. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. हाँ देखिए, ये शुक्र जो है, जो विनस जो है वो नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. मिस नाइट में वो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है उसको. समटाइम्स विनस अपीयर्स इन द डिस्टेंट स्काई बिफोर सनराइज. कभी कभी क्या होता है कि बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले डिस्टेंट स्काई में देखने को मिलता हो, स्काई में डिस्टेंट साइड. समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद वो वेस्टर्न साइड देखने को मिलता है. वेस्ट साइड जो है हमारी वहां पर. देयरफॉर
It is often called a dwarf or an evening star, although it is not a star. देखिए स्टार नहीं है तो भी इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो कब देखने को मिलता है, बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड, एंड आफ्टर द सनसेट वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है, इसलिए उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इस दिन वो स्टार नहीं, वो प्लैनेट है, फिर भी इसको स्टार कहा जाता है। देन वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। देखिए जैसे मर्क्यूरी था उस तरीके से वीनस में भी उसका कोई मून नहीं होता, याद रखिए वीनस हैज नो मून। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। ये जो रोटेशन जो होता है, रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, वो अनयूजुअल है। इट इज रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, इससे लेकर वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन हमारी अर्थ जो है इससे ऑपोजिट है। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो वीनस जो है वो कैसे रोटेट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वीनस जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। क्लियर तो बच्चों, यहाँ पर सेकंड प्लैनेट जो है वीनस वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ आवर थर्ड प्लैनेट इज द अर्थ, पृथ्वी। बच्चों आपको अर्थ के बारे में पता है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हमारे हाउसेस है, जिसके ऊपर ट्रीज होते हैं, जिसके ऊपर प्लांट, जिसके ऊपर ये सब फैक्ट्रियाज है। ओके, तो अर्थ के बारे में तो आपको पता ही है, चलो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। देखिए अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे अर्थ पे, सॉरी सोलर सिस्टम में, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल है, हम रह सकते हैं। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अर्थ के ऊपर कुछ environmental conditions है जिसकी वजह से हमारी लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, दूसरे प्लैनेट के ऊपर हम नहीं रह सकते। तो ऐसा कि दूसरे प्लैनेट के ऊपर हम नहीं रह सकते, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रह सकते, जिसके ऊपर हम जिंदा रह सकते, अर्थ के ऊपर ऐसे कुछ कंडीशन है लाइक एटमोस्फियर। अर्थ के ऊपर ये एटमोस्फियर है जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, क्लियर। उसके अलावा अर्थ के ऊपर वॉटर है, वॉटर है जो हमें ड्रिंकिंग के लिए यूजफुल होता है, जो हमें अदर बनते के लिए यूजफुल होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो कुछ सब्सटेंसेस है अर्थ के ऊपर हमें प्रोवाइड है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल है, जो दूसरे प्लैनेट के ऊपर नहीं है। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ, हाँ देखिए सबसे थर्ड जो थिंग्स आती है वो टेम्परेचर की है, जो और हमारी जो है सबसे कुछ मीडियम डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर हाई भी नहीं होता, ओके, और ज्यादा लो भी नहीं होता। जो टेम्परेचर जो ह्यूमंस को, जो एनिमल्स को, जो ट्रीज को जो टेम्परेचर सुटेबल होता है वो हमें प्रोवाइड होता है सन से, जिसकी वजह से इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर नहीं। देन सो देयर इट इज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, मैंने आपको बताया ना कि अर्थ के ऊपर वॉटर प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, एंड सुटेबल एटमोस्फियर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। ये अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फियर है जो वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, सबके लिए जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर रह सकते हैं। दूसरा कि उसके ऊपर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, सन के जो रेज आते हैं, सन के जो रेज आते हैं उससे, रेज से बचने के लिए हमारी अर्थ के अराउंड जो हमारे एटमोस्फियर जो है उसमें ओजोन गैस है, कौन सा गैस, ओजोन गैस, और ओजोन गैस की वजह से जो सन के जो रेज जो है हमारे ऊपर डायरेक्टली फोर्स नहीं होते, इसलिए भी ज्यादा नहीं होते, समझ में आ रहा है। तो ओजोन लेयर की वजह से भी हम बच सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट, सन के अल्ट्रा वायलेट रेज जो आते हैं उससे बच सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। From space, the earth appears blue-green due to the reflection of light.
और अर्थ को आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ जो है, अगर स्पेस में से अर्थ को देखा जाए तो अर्थ जो है ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है। कौन से कलर की दिखती है? ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है। ब्लू ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? तो अर्थ के ऊपर एक तो वॉटर है, आपको पता है अर्थ के ऊपर 71% पार्ट में वॉटर है, ज्यादातर वॉटर इसी 29 पार्ट में ही लेड है। तो ये जो वॉटर जो है ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ जो है ब्लू कलर की, एंड दूसरे प्लांट में 29% पार्ट में लेड है जिसकी ग्रीनरी की वजह से अर्थ जो है ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है, क्योंकि ये वॉटर जो है उसकी वजह से, ग्रीनरी की वजह से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है सन की, जिसकी वजह से हमको कैसे दिखाई देते हैं, ब्लू एंड ग्रीन कलर की अर्थ हमको दिखाई देती है। अर्थ इज ओनली वन मून, ये तो आपको पता ही है कि अर्थ जो है अर्थ के अराउंड मून जो है रिवोल्यूशन करता है, क्लियर? तो अर्थ को ओनली वन मून, एक ही मून है अर्थ पे, एक ही सैटेलाइट है, क्लियर? एक ही सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोर्थ प्लैनेट मार्स, मंगल। याद रखिएगा, मार्स जो है अदर नेम ऑफ मार्स इज मंगल, मार्स जो उसको मंगल भी कहा जाता है। द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। अब देखिए अर्थ के बाद, अर्थ जो है अर्थ के ऑर्बिट के बाद जो प्लैनेट जो आता है उसको वो अर्थ है। अर्थ के बाद तुरंत जो प्लैनेट आता है फर्स्ट प्लैनेट ऑर्बिट आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट के बाद जो मार्स है। It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. बच्चे जो मार्स जो है वो रेडिश टाइप का दिखता है, it appears slightly reddish, थोड़ा रेडिश टाइप का दिखता है और इसीलिए उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखा है मार्स का, मार्स का पिक्चर देखिए और ध्यान से देखिए, मार्स जो है वो इस तरीके से दिखता है, क्लियर? Now, Mars has two small natural satellites. अब देखें जैसे अर्थ में वन मून था, जैसे अर्थ में वन सैटेलाइट था, उसी तरीके से मार्स जो है उसमें टू सैटेलाइट होते हैं। मार्स जो है उसमें टू सैटेलाइट होते हैं, दो सैटेलाइट स्मॉल होते हैं, स्मॉल टू सैटेलाइट होते हैं मार्स में, याद रखिएगा, क्लियर? तो अभी तक याद करते अर्थ के बारे में स्टडी कर ली, मार्स के बारे में स्टडी किया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर को बृहस्पति भी कहा जाता है। देखिए जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर का पिक्चर देखिए, देखिए यहाँ पर इसको जुपिटर कहा जाता है, ऐसा पिक्चर है जुपिटर का, देखिए ये प्लैनेट जुपिटर है, देखिए ध्यान से। और जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, इट इज सो लार्ज that about 1500 Earths can be placed inside this giant planet. देखिए बच्चों इतना लार्ज है जुपिटर, इतना बड़ा है कि उस पे 1300 अर्थ आ सकती है। जब हमारी अर्थ को 1300 टाइम्स किया जाए, 1300 अर्थ मिक्स की जाए, तब एक जुपिटर बनता है। आगे बोलते तो मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 380 टाइम्स देखो अवर अर्थ। देखे क्या बताया गया, हाउ यू नो द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 380 टाइम्स दैट ऑफ अवर अर्थ। देन द जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर जो है उसके बहुत सारे सैटेलाइट्स है। दैट इट आल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके अराउंड रिंग्स भी है, याद रखना जुपिटर के अराउंड रिंग्स भी है, क्लियर? जो भी आपने पिक्चर में देखी, ओके तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में हम दूसरे प्लैनेट्स जो है उसके बारे में डिस्कस